अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। ये लव जिहाद का मामला है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। जिस युवक को लोगों ने पकड़ा, उसकी हरकत को पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र में है नेहरू स्टेडियम। यहाँ पर शनिवार सुबह हिंदू संगठन के कुछ लोग मौजूद थे। पिछले कुछ दिन से वह एक युवक को हरकत को नोटिस कर रहे थे। संगठन के लोगों ने बताया कि नेहरू स्टेडियम पर एक मुस्लिम युवक जिसका नाम अखलाक है, वह यूपी का रहने वाला है, उसने नाम पूछा तो वह अपना नाम राहुल बता रहा था, जबकि युवती साजापुर की है। पिछले 20 दिनों से वह वर्कआउट के माध्यम से उसे बहला फुसला रहा था। वहीं पास में ही संगठन और वकील लोग उसे वॉच कर रहे थे। शनिवार को जब वर्कआउट करने आए तो वह स्टेडियम के अंदर युवती के साथ अश्लील हरकत करते मिला। इस पर वहां हंगामा मच गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर संयोगितागंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी मामला समझा, जिसके बाद संगठन के लोगों ने साथ उसे पकड़ कर थाने ले आए। संगठन के लोगों का कहना है कि लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में युवक के खिलाफ वे FIR दर्ज कराएंगे। लव जिहाद के खिलाफ पूरा समाज सड़क पर आएगा। इधर मामले में संयोगितागंज TI तहजीब काजी का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक मुसलमान लड़का था, इसका नाम अखलाक यूपी का रहने वाला था। लड़की जो थी वो साजापुर का रहने वाली थी। पिछले 20 दिनों से वर्कआउट के माध्यम से उसको बहला फुसला रहा था और वहीं पर विजय बल्ले पर एडवोकेट की शाखा जो लगती चली आ रही है उसके वकीलों द्वारा उसको वॉच किया जा रहा था। आज सवेरे जब वो वर्कआउट करने के लिए आए तो वो अंदर अश्लीलता कर रहे थे। वकीलों द्वारा और संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पकड़ा गया, पकड़ करके उन्हें थाने लाया गया।